चप्पल नाम भाई। हम अभी गड्ढा चौकी में नेपाल के ऑटो से हम चुके हैं भारत के ऑटो में, और यहाँ से अभी हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि गेट खुलेंगे शाम के 6 बजे, तो उसके बाद ही हम इस साइड से उस साइड जा सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे गांव का बहुत ही प्यारा सा व्यू। तो मौसम की बात करें, आज धूप एकदम खिलके आई है, बहुत ही प्यारी, जैसे हमेशा ही होती है सुबह की धूप, बहुत ही प्यारी, एकदम सॉफ्ट सी। वैसे मैं तो थोड़ा लेट उठी हूँ, लेकिन यहाँ के लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सुबह के तकरीबन 5 बजे या 4 बजे उठ के ये सारा काम निपटा देते हैं। लास्ट मॉर्निंग मैं जब उठी थी तो चाची लोग जंगल से घास लेके आ रहे थे, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी जल्दी उठ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे चाची झाड़ू मार रही है, तो ये जंगल से आके ही यहाँ पे झाड़ू मारे, इन्होंने सुबह ही घास लकड़ियाँ जो भी इनका काम रहता है वो सारा निपटा लिया है। तो यार आज है मेरा नेपाल से वापस घर जाने का दिन। थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट है, थोड़ा बहुत दुख है, क्योंकि यार यहाँ की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, एक अलग वाइब है यहाँ की भी। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का व्लॉग और चलते हैं नेपाल से वापस इंडिया की ओर। तो गाइस अभी बज रहे हैं 2:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ वापस नेपाल से घर जाने के लिए। तो संजू कर रही अभी मेरा टीका। तो गाइस फाइनली जाने का टाइम आ गया है, आज नेपाल को बोलते हैं बाय बाय और इंडिया को बोलते हैं हाय और जाते हैं इंडिया की ओर। बैक हो चुका है ये, बाय हेमा। तो गाइस ये है हमारे गांव की नहर, और नहर के दोनों साइड आपको बहुत प्यारे प्यारे घर देखने को मिलेंगे, और गांव की इन गलियों को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, मैंने बहुत मस्ती की है। पापा को लेने थे यहाँ से कुछ सामान, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए हैं चौराहे पे, तो तब तक तीज दिखाती हूँ आपको, तीज के आपको गाने सुनाई देंगे। यहीं पे पास में है यहाँ से रास्ता, बट तीज स्टार्ट होगी यहाँ पे 6 बजे से। तो गाइस देखो तीज स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई है नहीं। सुपर मार्केट की टाइप है जगह, गाइस सब कुछ है यहाँ पे सब्जियों से लेकर। तो चौराहे से अब हम निकल चुके हैं गड्ढा चौकी के लिए, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी गड्ढा चौकी पर, और अंकल हमें बस यहीं तक छोड़ेंगे क्योंकि इससे आगे है इंडिया का बॉर्डर, तो यहां से अब हमें लेनी पड़ेगी इंडिया की ऑटो। गाइस हमें अभी गड्ढा चौकी में और नेपाल के ऑटो से हम बैठ चुके हैं भारत के ऑटो में, और यहाँ से अभी हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि गेट खुलेंगे शाम के 6 बजे, तो उसके बाद ही हम इस साइड से उस साइड जा सकते हैं। वेट कर रहे हैं अब कब गेट खुले और कब हम जाएं, अभी आधे घंटे हमें इस ऑटो में वेट करना पड़ेगा। ये है गेट, भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग वेट कर रहे हैं, पापा समझेंगे सीधा बनवा वो हमारी मंजिल। और तो गाइस मैं जिस गेट की बात कर रही थी, तो वो यही गेट है जो शाम को 6 बजे खुलता है, तो टू व्हीलर तो यहाँ से ऐसे जा सकती हैं। मैं यहाँ वेट करते करते तकरीबन आधा घंटा, मतलब 20 मिनट हो चुके हैं, अब 10 मिनट और उसके बाद ये गेट खुल जाएंगे यहाँ। फाइनली अंकल आ चुके हैं गेट खोलने के लिए, वो देखो खुल चुके हैं, और हमने
बनबासा पुल पे एंटर कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे काली नदी वैसे तो हमें महेंद्रनगर से ही बस मिल जाती है, लेकिन हमें डायरेक्ट ऋषिकेश की बस लेनी थी, इसलिए हम यहाँ आ गए बनबासा बॉर्डर पे और यहाँ से हमें सीधा बस ऋषिकेश तक छोड़ेगी। यार हम पहुंच चुके हैं अब हमारी बस में, जो हमें बनबासा से सीधा ऋषिकेश तक पहुंचाएगी। बस अभी पूरी तरीके से खाली है, ये देखो पूरी बस खाली है। तो अभी बज रहे हैं 6:30, तकरीबन 7:30 बस यहाँ से बनबासा से ऋषिकेश के लिए चलेगी और रात के 2 या फिर 3 बजे हम ऋषिकेश पहुँचेंगे आराम से। तो गाइस रात के बज रहे हैं 2:30 और हम पहुंच चुके हैं अभी हरिद्वार। हरिद्वार में बस तकरीबन 5 या 10 मिनट रुकेगी और यहां से अब हमें घर पहुंचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे। और रात भर फ़ोन को चलाते चलाते मेरे फ़ोन की बैटरी भी हो चुकी है डेड। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।